सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भी कलयुग की लगभग वही स्थिति हो रही है जो आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद द्वापरयुग समाप्ति का समय और कलयुग का आगमन। कलयुग के आगमन से नाना प्रकार के मनगढ़ंत पंथ, दुष्ट प्रकृति के तमोगुणी लोगों ने, तांत्रिकों ने, पाखंडियों ने नए नए मत मतांतर पैदा कर दिए और जो सत्य सनातन धर्म था उसको कलंकित कर दिया, झूठा ठहरा दिया। आज देखना जो नए नए संप्रदाय पैदा हो रहे, कोई नहीं कहेगा गीता पढ़ो अपने चेलों को, कोई नहीं कहता रामायण पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, गंगा जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, कोई नहीं कहता। अपने मन ग्रंथ पंथ और ग्रंथ चला दिए रामकृष्ण की तरफ, कोई नहीं कहता ये इंसान है। ढोंगियों ने ऐसा कहना आज भी प्रारंभ कर रखा है। तो भगवान कौन है? तो गुरु जी भगवान है। जो भगवान है उनको इंसान बता दिया और जो इंसान है उनको भगवान बना दिया। जब तक इन पखंडियों के चक्र में नहीं पड़े तब तक रामकृष्ण की पूजा घर में होती थी और जो ही उनको गुरु बनाया बस रामकृष्ण को इंसान मान के छोड़ दिया और उसकी जगह भगवान मान के गुरु को बैठा दिया। माने इंसान को भगवान और भगवान को इंसान, ये कलयुग की पहचान।